महाराज को, महाराज आप एक काम करो, हमारा कहना। बोले बताइए कि अगर हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो आप ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज ने विवाह को करने की जब सुना है तो इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। बोले हे रानी, आप ये क्या कहती हो? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं चल पाएंगी। एक घर में अगर दो नालियां बना दो, परीक्षा जी महाराज, किसी के घर में देखना, अगर एक पति की दो पत्नियां होंगी, अगर सवेरे बच जाए तो संजा को ना, कितनी भी सगी बहने हो, और अगर सवेरे बचता तो संजा होना, संजा बचता है सवेरे। लेकिन जो अपनी तरफ से कहता है महाराज हम करवा रहे हैं तो तुम ही तो संभई कर लोगी, लेकिन जो दूसरी आएगी वो नहीं करेगी। एक घर में दो नालियां नहीं चल पाएंगी, किसी के पास में ज्यादा नीर जाएगा तो किसी के पास में कम जाएगा, इसलिए नालियां अपने आप से ही आप में इनकार करेगी। और इसी के बीच में 10 रुपए से राजेश भैया की तरफ से पुरस्कार है भगवान के चरणों में, और 10 रुपए राम विलास भैया जी ये भगवान के चरणों में कुछ दान ले रहे हैं। भगवान सुख शांति बरसाए रखे, राधा रानी कृष्ण कृपा बरसाए रखे, ऐसे भैया के हाथ सदा दान की ओर बढ़ते रहें, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। इधर महाराज ने जब दूसरा विवाह करने से मना कर दिया, रानी ने बार बार कहा है महाराज आप हमारी बात को मान लो, बार बार कहा है बात को मान लो। और इसी के बीच में राम विलास भैया की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे पास में। भगवान श्री कृष्ण राधे रानी कृपा बरसाए रखी, हमारे भैया के जीवन में खुशियां बरसाए रखी, एक नहीं बल्कि दो विवाह करवाए और एकों में खट पिट ना हुए। इधर महाराज ने अपना विवाह करने से मना कर दिया है रानी, और ये भैया फिर से हमारे पास में पुरस्कार भेजा है राम विलास भैया की तरफ से 10 रुपए का। इधर